टर्म स्मार्ट मनी ब्रॉडली रिफर्स टू ब्लैंक। आंसर इज ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड्स। एडिबल पार्ट इन गार्लिक एंड ऑनियन इज ब्लैंक। आंसर इज ऑप्शन बी फ्लैसी स्केल लीव्स। विच अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज ऑप्शन बी फर्स्ट। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज। आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। व्हेन इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आंसर इज ऑप्शन बी 20 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स फॉर हियरिंग एड्स। आंसर इज ऑप्शन डी अल्निको। द हम्प ऑफ कैमेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। आंसर इज ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेस्ट फाउंड इन एप्पल्स एंड पियर्स। आंसर इज ऑप्शन ए मैलिक एसिड। द नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आंसर इज ऑप्शन डी अलाहाबाद टू हल्दिया। आलमगीरपुर एन इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एट विच प्लेस कैन द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स बी सीन। आंसर इज ऑप्शन ए अजंता। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। आंसर इज ऑप्शन सी एम्स्टर्डम। अकॉर्डिंग टू द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी द ईस्टर्न रिवर्स ऑफ द वाटर सिस्टम सतलज रावी एंड ब्लैंक वर टू बी विद इंडिया। आंसर इज ऑप्शन बी ब्यास। इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। आंसर इज ऑप्शन बी नेशनल इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड एट द ट्री जंक्शन बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार। आंसर इज ऑप्शन डी दीफू। द लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल इन इंडिया इज ब्लैंक। आंसर इज ऑप्शन बी पीर पंजाल रेल टनल। विथ रिफरेंस टू एंशियंट इंडिया अनुलोमा इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच। आंसर इज ऑप्शन ए द मेल इज ऑफ हायर कास्ट एंड द फीमेल इज ऑफ लोअर कास्ट। विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। आंसर इज ऑप्शन ए जहांगीर। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज। आंसर इज ऑप्शन सी इकोलॉजी। विच फंगस ग्रोज ऑन अ ब्रेड। आंसर इज ऑप्शन बी राइजोपस। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाय।
आंसर इज ऑप्शन डी फीकल ओरल रूट। DASH डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज। आंसर इज ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। आंसर इज ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडोप्टेड। आंसर इज ऑप्शन डी लाहौर सेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। आंसर इज ऑप्शन सी महात्मा गांधी। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ल्ड बाय। आंसर इज ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लॉर्ड मेयो वॉज असैसिनेटेड। आंसर इज ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार। द कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इन 1918 विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमनेंट्स सप्रू जयकर एंड चिंतामणि हु फॉर्म्ड द। आंसर इज ऑप्शन बी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आंसर इज ऑप्शन डी स्वामी विद्यानंद। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्णा सिंह रिजाइन इन फेब्रुवरी 1938 फॉर विच रीजन। आंसर इज ऑप्शन ए फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। वेयर वॉज राजस्थान सेवा संघ फाउंडेड इन 1919। आंसर इज ऑप्शन ए वर्धा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1921 इन शेखावती अंडर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आंसर इज ऑप्शन सी चिरावा सेवा समिति। इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। आंसर इज ऑप्शन बी पवनार महाराष्ट्र। ऑन फेब्रुवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय। आंसर इज ऑप्शन सी जून 1948। Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947? Answer is option B, Cyril Radcliffe. During the freedom struggle, a parallel movement launched in the Indian states, ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizam's Hyderabad, Travancore etc. was. Answer is option C, Prajamandal movement. Who wrote 10 chapters of his unfinished biography which he wanted to title An Indian Pilgrim. Answer is option A, Subhash Chandra Bose. Who hoisted the flag at the Gwalior Tank Maidan, Bombay on 9th August 1942 during the Quit India Movement? Answer is option A, Aruna Asaf Ali.
The first schedule of the Indian Constitution contains articles up to blank. Answer is option D, 1, 2, 4. Which was the largest Indian site of the Indus civilization? Answer is option C, Rakhi Gadhi. Under whose leadership was the excavation work of Ahar accomplished? Answer is option B, H.D. Sankalya. From which civilization have the remains of well-developed walled fortification found? Answer is option A, Kalibanga. The excavations at Kalibangan were carried out on how many levels? Answer is option D, 5. In which of the major rock edicts Ashoka elaborated Dhamma? Answer is option B, major rock edict 11. Ashoka adopted Buddhism as his personal faith, which is mentioned in? Answer is option D, Bhabru Bairat rock edict. Which of the following are the parts of small intestine in the human body? Answer is option A, ileum, jejunum, duodenum. Which of the following leaders signed the Tashkent Agreement? Answer is option C, Lal Bahadur Shastri and Ayub Khan. Bandung Conference is related to which of the following? Answer is option A, paving the way forward to non-aligned movement.